नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। देखिए, इस बार जो वैकेंसी आई है वो टोटल 623 वैकेंसी आई है और वो डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसेस से आई है। तो इस वीडियो में आपको सारा कुछ बताऊंगा कि कहाँ से वैकेंसी है, किसकी वैकेंसी है, कब तक इसे अप्लाई करना है, एग्जाम कब होगी, सिलेबस क्या होगा। तो लास्ट तक देखते रहिए ये वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 623 है और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से वैकेंसी आई है जो कि सारे बैंक का ऑडिट करती है और इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है। तो इसमें अगर आपका जॉब लग गई तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि कब तक इसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन कब तक फिल करना है। देखिए, वेबसाइट ओपन लिंक जो है यहाँ पर दिखा रहा है 18/10/2017 से 10/11/2017 तक, यानी कि 18 अक्टूबर से 10 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इस दौरान आपको फी भी जमा करना होगा। ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जाम की बात करें तो एग्जाम डेट ऑफ एग्जाम जो है वो 27 और 28 नवंबर है, जो कि रिजर्व बैंक ने टेंटेटिव बोला है। मेंस एग्जाम की बात करें तो वो 20 दिसंबर को होगी और ये दोनों एग्जाम जो है वो ऑनलाइन है, ऑफलाइन एग्जाम नहीं है, ऑनलाइन है। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ देख लेते हैं कि अगर आपको कोई फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत है तो ये उनका हेल्पलाइन भी है, आप ग्रीवेंसेस सेंड कर सकते हैं www.http://cgrs.ivps.in पर आप अपनी ग्रीवेंसेस भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आपके पेज नंबर दूसरे पर जब आप आएंगे तो आपको कुछ वैकेंसी के बारे में इन्फो मिलेगी कि किस सर्किल के कितने वैकेंसी है, किस ऑफिस की में कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अहमदाबाद में टोटल 19 वैकेंसी है, ये कैटेगरी वाइज भी दी हुई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप देखें तो यहाँ पर 623 है, जिसमें कि सॉरी 623 वैकेंसी है टोटल नंबर। उसके बाद आप जैसे ही इसमें आगे बढ़ेंगे तो इसमें एक सर्विसमैन सारे जो भी कैटेगरीज हैं उनमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है वो बताए गए हैं। हम और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। यहाँ पर आपको कुछ डेट के बारे में कि आपका जो एज होना चाहिए, एज जो है क्वालिफिकेशन एज जो होनी चाहिए वो 20 से लेकर के 28 साल तक आपकी एज होनी चाहिए और ये होनी चाहिए 2 अक्टूबर से लेकर के, आपको 2 अक्टूबर 1989 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अक्टूबर 1997 के बाद का नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कुछ कंडीशन है कि किन के लिए एज में छूट है और कितनी छूट है, आगे देखते हैं। आगे जब आप देखेंगे तो जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होना है उसकी जो क्या क्या पूछा जाएगा उसका सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। आपसे इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स के होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स से होंगे 35 क्वेश्चन और 35 मार्क्स, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और टाइम जो होगी वो 1 आवर होगी। अब देख लेते हैं मेंस एग्जाम के बारे में। मेंस एग्जाम में टेस्ट ऑफ रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 30 मिनट इसमें टाइम, इसमें टाइम जो है वो अलग अलग दिया जाएगा, जबकि प्री में टाइम एक ही साथ आपका क्वेश्चन आ जाता, लेकिन मेंस की बात अलग है। मेंस में आप देख लीजिए रीजनिंग इंग्लिश न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज ये सारा कुछ मिला करके आपका 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, सबके लिए टाइम ड्यूरेशन अलग अलग है। आप जब नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ एड्रेस ऑफ ऑफिस दिए गए हैं कि आपका जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो होता है ST SC OBC PWD कैंडिडेट के लिए वो कहाँ होगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ पे स्केल दिया गया है, पे स्केल है इंड्रॉ ऑफ स्टार्टिंग बेसिक पे जो स्केल जो है वो है 14,650 रुपये का बेसिक पे स्केल है, यानी कि अच्छी खासी वैकेंसी है, आप जल्दी से फिल कर दो। मैंने आई थिंक सारा कुछ आपको बता दिया इसके बारे में, अगर कुछ छूट गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वहाँ पर आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।